दोस्तों मोटरोला S40 फाइनली लॉन्च हो गया है और ये जो मोबाइल लॉन्च हुआ है उसका प्राइस है 29,999 रुपये और जो ऑफर लगा के आपको मिल जाएगा 27,999 रुपये में मिल जाएगा। बट इतने प्राइस में बहुत सारा सब कुछ आपको इस मोबाइल में मिलने वाला है, बहुत सारे फीचर्स और बहुत कुछ नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा जो कि प्रीमियम मोबाइल में आता है। तो दोस्तों आइए हम थोड़ा सी स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बता दें कि इसमें इंडिया फर्स्ट प्रोसेसर डायमेंसिटी 8020 आपको देखने को मिल जाएगा। रैम इसमें 8GB LPDDR4X का सपोर्ट मिल जाएगा और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो 256GB स्टोरेज इसमें मिल जाएगा UFS 3.1 के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें एंड्रॉयड 13 का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके फिजिकल बॉडी के बारे में। ये मोबाइल 7.58mm की बहुत पतली मोबाइल है और इसका एक लेदर फिनिश आपको बैक में मिल जाएगा और इसका जो फ्रेम है वो मेटालिक है फ्रेम है जो कि बहुत ही परफेक्ट आपको लुक देने वाली है। और राइट साइड में हम बताएं तो इसमें पावर ऑन ऑफ बटन मिलेगा और हाँ इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट नहीं है, वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है। और वॉल्यूम बटन आपको राइट साइड भी मिल जाएगा। अपर साइड में नॉइज कैंसिलेशन माइक्रोफोन आपको मिल जाएगा। लेफ्ट साइड इन्होंने पूरा क्लीन छोड़ा है। बॉटम साइड में सिम स्लॉट आपको मिल जाएगा। चार्जिंग जैक मिल जाएगा जो कि सी टाइप चार्जिंग जैक आपको मिलेगा। माइक्रोफोन सेंसर आपको मिल जाएगा। स्पीकर मिल जाएगा और एक बात इसमें और डुअल स्टीरियो स्पीकर आपको मिलेगा वो भी डॉल्बी एटमॉस के साथ। तो और दोस्तों इसमें सिम की बात करें तो इसमें सिंगल नैनो सिम कार्ड लगेगा और एक इसमें आपको ई सिम आपको पहले से ही मिल जाएगा, मतलब कि आपको डुअल सिम का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें स्क्रीन साइज की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 6.55 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व्ड POLED डिस्प्ले आपको मिल जाएगा जो कि ये डिस्प्ले काफ़ी अच्छी होती है और आपको देखने में काफ़ी अलग सा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा इसके साथ। और रिफ्रेश रेट की बात करें तो इसमें 120Hz नहीं 144Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, समझ सकते हो बहुत ही फास्ट चलने वाला ये मोबाइल। ब्राइटनेस इसमें आपको 1200 निट्स मिलने वाला है, मतलब कि आप कहीं धूप में भी बाहर भी आप मोबाइल इसको यूज करना चाहते हो तो बहुत ही नॉर्मली आप इसे यूज भी कर सकते हैं। डिस्प्ले कलर इसमें 1 बिलियन से ज़्यादा आपको कलर मिलेगा, तो मतलब कि आपकी मूवी या फिर कोई वीडियो देखने का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग होने वाला है। फिंगरप्रिंट जैसे कि मैंने बताया कि इन डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कैमरा का। तो इसमें प्राइमरी कैमरा डुओ कैमरा सेटअप आपको मिल जाएगा। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो माइक्रो और डेप्थ दोनों का काम कर सकता है। काफ़ी अमेजिंग लग रहा होगा सुनने में लेकिन सच है ये। वीडियो रिकॉर्डिंग आप इसमें 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो वो भी 30 FPS के साथ और अल्ट्रा वाइड कैमरा पर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो वो भी 4K में, काफ़ी अमेजिंग ये बात है। और दोस्तों फ्रंट कैमरा की हम यहाँ पे बात कर ले तो 32 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा और जब आप फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो यहाँ पे 4K का भी सपोर्ट मिल जाएगा वो भी 30 FPS पे और जब अपडेट आ जाएगा तो इसमें 60 FPS का भी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इस कैमरा से फोटो क्लिक करने पर स्किन टोन बिल्कुल नेचुरल आता है, कलर का जो परफेक्ट बैलेंस किया है इन्होंने बहुत ही अमेजिंग है। और पता है दो माइक के बाद भी एक और इसमें माइक दिया हुआ है जो कि कैमरा के जस्ट बगल में लगाया हुआ है। इससे ये काम होता है जब भी आप किसी का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आप वो बंदा काफ़ी दूर पे खड़ा हुआ अगर कुछ बात कर रहा है तो आप यहाँ से जूम करके उसके बाद को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वो ये जो माइक है उस टाइम पे वो काम करेगा। तो ये बहुत ही अच्छी फीचर इसमें दिया हुआ है कि आप किसी दूर पे खड़े हुए बंदे का भी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हो, तो काफ़ी एक अलग सा फीचर दिया हुआ जो कि काफ़ी अच्छा है यार। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो इसका जो बैटरी है वो 4400mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी आपको मिल जाएगी। चार्जर इसमें 68W का चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगा और इसमें सी टाइप चार्जिंग जैक भी देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको C2C टाइप डेटा केबल मिलेगा, बहुत ही अमेजिंग है यार। और दोस्तों 0 से 100% चार्ज ये सिर्फ 1 घंटे के अंदर करने वाला है। तो और दोस्तों सबसे कमाल की चीज़ मैं ये बताऊं कि वायरलेस चार्जर को भी ये सपोर्ट करता है। 15W की चार्जर जो वायरलेस चार्जर होती है उसको भी ये सपोर्ट करता है, तो काफ़ी बढ़िया फीचर इसमें दिया हुआ है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके कनेक्टिविटी के बारे में। 5G का इसमें आपको सपोर्ट मिल जाएगा, वाईफाई 6 का भी इसमें सपोर्ट मिल जाएगा, ब्लूटूथ 5.2 मिल रहा है इसमें और डुअल 4G वॉल्टी भी मिल जाएगा जो कि काफ़ी अमेजिंग है यार। तो दोस्तों अब हम सेंसर्स के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं और सेंसर में हम क्या ही बताएं, ऑल सेंसर इसमें आपको मिल जाएंगे। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलने वाले हैं, फेस अनलॉक मिलने वाले हैं, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है इसमें और जो कि बहुत ही अच्छा वर्क भी करता है। और इसका जो अंततु बेंचमार्क स्कोर है वो 6,85,000 से भी ज़्यादा है और 6nm फैब्रिकेशन पे ही है। काफ़ी स्मूथ चलने वाला है और काफ़ी फास्ट ही मोबाइल चलने वाला है। क्लीन एंड्रॉयड 13OS का इसमें सपोर्ट मिल जाएगा जो कि एड्स आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा और कोई अनवांटेड नोटिफिकेशन भी नहीं आएंगे इसमें। तो दोस्तों इसमें 2 साल का मेजर अपडेट भी देखने को मिल जाएगा और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स भी आपको मिल जाएगा। मोटोरोला ये कहता है कि टाइमली अपडेट देते रहो
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात बताऊं मैं, इसमें आपको IP68 सर्टिफिकेशन मिलने वाला है, मतलब कि ये मोबाइल वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ दोनों होने वाला है। काफ़ी अमेजिंग है यार, कभी आप बारिश में जाते हो और मोबाइल भीग जाता है तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन आपको IP68 दिन मिलने वाला है, जिसमें कि आपको वाटरप्रूफ मिलने वाला है। और लास्ट में आता है हमारा गेमिंग, और गेमिंग के बारे में बात करना तो बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हाई ग्राफिक सेटिंग पर भी आप खेल सकते हो, चाहे पबजी हो, चाहे कॉल ऑफ ड्यूटी, चाहे न्यू स्टेट, या फिर कोई भी आप गेम खेलना चाहते हो तो हाई ग्राफिक सेटिंग्स भी आप खेल सकते हो। और इसमें आपको लैगिंग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों, इसका कर्व डिस्प्ले होने पर आपको एक अलग सा ही फील मिलने वाला है गेमिंग करते वक्त। और दोस्तों, इसमें हाइपर क्रिस्टल ग्रेफाइट कूलिंग सिस्टम भी दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये मोबाइल कभी जल्दी हीट ही नहीं होगा। और बैक साइड लेदर इसमें बैक आपको मिल जाएगा, तो जो कि बहुत कम आपको समझ में आएगा कि मोबाइल हीट भी होता है। और काफी स्मूथ गेम इसमें चलता है, और गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा होने वाला है आपका। और इसका जो मोबाइल का फाइनल प्राइस है वो 29,999 रुपये है, मतलब 30,000 में 1 रुपये कम। और आपको ये ऑफर लगा के 27,999 रुपये में मिल जाएगा, मतलब आप 28,000 में 1 रुपये कम आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये मोबाइल बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, और मोटोरोला अपना मार्केट बना चुका है और बहुत ही बेस्ट मोबाइल ला रहा है, जो कि इतने कम प्राइस में बहुत ही प्रीमियम टाइप के मोबाइल ला रहा है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। और मुझे सच में ये मोबाइल बहुत ही अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। तो चलिए, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।